दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक घरेलू नुस्खा। अक्सर पेट की गर्मी से और अटपटा खा लेने से हमारे मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जिससे हम कुछ भी ढंग से खा नहीं पाते हैं। खाने में कोई स्वाद नहीं रह जाता और ना ही खाना अच्छे से चबा पाते हैं। इसलिए इससे निजात पाने के लिए हम आपके लिए एक घरेलू नुस्खा लेकर आए हैं, जिससे 2 दिनों में ही आपको आराम दिखने लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो नुस्खा। इसके लिए हमने लिए हैं अमरूद के कुछ पत्ते और हमने लिया है अमरूद के पत्ते की कुछ कलियां, जो पत्ते अभी अभी हुए होते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक पतीले में 2 गिलास पानी डाल लें। और इसे 2 मिनट के लिए खौला लें। जैसे ही ये खौलने लगे, इसमें अमरूद के पत्ते डाल लें और इसे ढक दें। आपको इसे तब तक खौलाना है जब तक 2 गिलास पानी 1 गिलास ना बन जाए। देखिए, ये अच्छे से खौल चुका है। अमरूद का रस इसमें पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसे 1 गिलास में छान लें। जब ये पानी गुनगुना हो जाए, तब इसे मुंह में लेकर कुछ देर तक कुल्ला करते रहें। इसे आप दिन में 2 से 3 बार ट्राई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस अमरूद के कलियों का। अमरूद के रस से कुल्ला करने के बाद आप इन पत्तियों में से 3-4 पत्ती लेकर पान की तरह चबाते रहें। जब जब आप अमरूद के रस से कुल्ला करें, तब तब आप इन पत्तियों को भी चबा लें। 2 दिनों के अंदर आपको इसका फायदा दिखने लगेगा। आ जाते हैं आज के दूसरे नुस्खे पर। दूसरा नुस्खा है चेहरे पर कील मुहासों के लिए। इसके लिए जो नुस्खा मैं लेकर आई हूँ, उससे कील मुहासे तो दूर होंगे ही, आपके चेहरे पर भी ग्लो आ जाएगा, साथ ही साथ झुर्रियाँ भी खत्म होने लगेगी। इसमें आपको इन पत्तियों का पेस्ट बनाना है। आप अमरूद के कुछ पत्तियाँ लेकर इसे पीस लें। इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डाल लें और 1 चम्मच बेसन, दोनों डालकर इसमें हल्का सा पानी देकर अच्छे से फेंट लें। देख सकते हैं दोस्तों, यह पेस्ट तैयार हो चुका है। अब अपने फेस पर इस तरह से लगा लें। इसे लगाकर 1/2 घंटा तक रहने दें। 1/2 घंटे के बाद फेस को धो लें। 2 दिनों के अंदर आपको इसका फायदा दिखने लगेगा। 3 से 4 दिनों में कील मुहासे पूरी तरह से गायब हो जाएगा और आपके चेहरे पर ग्लो भी आ जाएगा। तो दोस्तों, आज का नुस्खा अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्ते।